श्रावस्ती जिले के मलहीपुर थाना क्षेत्र के जमुनही गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की जुबान काट दी। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दहेज में बाइक नहीं लेकर आई थी और दहेज में बाइक के लिए पैसे ना लाने पर पत्नी की जुबान काट डाली। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया और पीड़िता की परिजनों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि 6 साल पहले पीड़िता की शादी ब्रजवासीपुर निवासी घनश्याम के साथ हुई थी। जिस समय दोनों की शादी हुई तब परिजनों ने अपनी हैसियत से दहेज भी दिया था। शादी में मोटरसाइकिल नहीं दे पाए थे। शादी के बाद से दरिंदे घनश्याम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और विवाहिता से दहेज की मांग करने लगा और मायके से पैसे नहीं लाने पर पीड़िता को तलाक देने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने फोन कर अपने परिजनों को सारी बात बताई, लेकिन मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते वो दामाद की मांग पूरी नहीं कर सके। वहीं दहेज में बाइक न मिलने पर पति ने अपनी पत्नी की जुबान काट दी। पीड़िता का आरोप है कि पति ने पहले उसके साथ मारपीट की, उसके बाद धारदार हथियार से जुबान काट डाली और आरोपी पति मौके से फरार हो गया। तो हम कहें दवाई पर तो 5-6 चक्कर सब मारे से हम अपने बाप मुहतारे नहीं कहे ऐसे कहीं तो झगड़ा हुई तो कह से मारे से तो जबान वबान सब काट रहे से सब मारे। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। थाना मलहीपुर के जमुनही ग्राम में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वो उसके साथ मारपीट किया और उससे दहेज मांगने की बात को लेकर के उसको काट लिया था, जिससे उसके जीभ में चोट लग गई थी। उसको उसके परिजन तत्काल अस्पताल ले गए थे जहां उसका इलाज हुआ। इस संबंध में थाना पर जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लग करके तलाश कर रही है, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने पीड़िता की जुबान में आधा दर्जन टांके लगाकर जुबान को जोड़ दिया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्रावस्ती से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।